ये बात है एक भयंकर रात की। सभी घरों के दीपक बुझ चुके थे, सभी नगरवासी निद्रा की गोद में सोए हुए थे और कुछ ही समय में इस राज्य के भाग्य का दीपक भी बुझने वाला था। धर्म की ध्वजा तले सुरक्षित इस राज्य में महा अधर्म होने वाला था। लेकिन कौन करने वाला था ये अधर्म और आखिर क्यों? हरे कृष्णा। वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम यस्तु भक्तिमान कुरुते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः स विष्णुर्याति मंदिरम्। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। ऐसे ही परम मंगलकारी एकादशी तिथि का पुनः आगमन हो चुका है और ये एकादशी है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति भूत योनि, स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप, अन्यों की निंदा करना और झूठ बोलना इत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए ऐसी परम मंगलकारी अपरा एकादशी व्रत की सुंदर कथा का रसपान करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाएं हमेशा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल उपदेश आष्टकम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया गया है। तो चलिए अब कथा का आरंभ करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर और परम भगवान श्री कृष्ण के बीच अत्यंत रोचक विषयों पर गूढ़ चर्चा हो रही थी। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया आप मुझे ये बताने का कष्ट करें। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। तो चलिए सबसे पहले हम भी अपने काल यंत्र की सवारी करते हुए सीधे चलते हैं प्राचीन समय के उस कालखंड में जहाँ राजा महिध्वज का सुंदर और समृद्ध राज्य है। ये राज्य हर प्रकार के सुख समृद्धि से युक्त है और क्यों ना हो, आखिर राजा के कर्मों का फल ही तो प्रजा को भुगतना होता है ना। और राजा महिध्वज के पुण्य प्रताप का तेज संपूर्ण राज्य को आलोकित कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई हर जगह पर होते हैं, तभी तो चंद्रमा में भी दाग होते हैं। ठीक उसी प्रकार अत्यंत धार्मिक, सहिष्णु और उदार राजा के परिवार में उनका छोटा ईर्ष्यालु भाई वज्रध्वज भी रहता था। जी हाँ, उनका सगा भाई, जो कि राजा महिध्वज की ख्याति से हमेशा दुखी रहने के कारण आखिर एक दिन सारी मर्यादाएँ लांघ गया। वो काली अंधेरी रात थी, पूरा राज्य गहरी नींद की गोद में सोया हुआ था। बाहर तो अंधेरा था ही, लेकिन अब इस राज्य के भाग्य में भी अत्यंत दुष्कर अंधेरा छाने वाला था। उस दुराचारी वज्रध्वज ने अपनी तलवार उठाई और चल पड़ा अपने भाई महिध्वज के शयन कक्ष की ओर। वहां जाकर उसने अपने निर्दोष भाई और इस राज्य के महान राजा महिध्वज की निर्मम हत्या कर दी। अत्यंत क्रूर उस पाशवी ने हत्या करने के बाद राजा के मृत शरीर को नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब देखिए, इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई और वे उसी पेड़ पर रहने लगे। कुछ समय बाद ईश्वर इच्छा से महान ऋषि धौम्य उसी पीपल के पास से होकर गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को भी देखा और ये भी जान लिया कि उसकी ये दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। अपनी दया और करुणा के वशीभूत होकर ऋषि धौम्य ने राजा के लिए स्वयं अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया
और जब पारण का समय आया तो ऋषि ने अपनी एकादशी का संपूर्ण फल राजा महित्वज को समर्पित कर दिया। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा को पिशाच योनि से मुक्ति मिली और इतना ही नहीं, उन्होंने ऋषि धौम्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनके लिए विशेष रूप से आए गए विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर गमन कर लिया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब इस अपरा एकादशी के महात्म्य की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा, जो भी इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करता है वह अत्यंत जघन्य पाप कर्मों जैसे कि ब्रह्म हत्या, पर स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि से भी मुक्त हो सकता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर स्नान, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करना, गया में पिंडदान देना, सुवर्ण का दान देना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करना इत्यादि पुण्य कर्मों से जो फल प्राप्त होता है वह सारा पुण्य सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मिल जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इस एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो एकादशी का पालन करने के लिए आपको दशमी के दिन से ही कुछ तैयारियां करनी होगी। जैसे कि दशमी के दिन यदि संभव है तो संध्या से पहले हल्का भोजन लेना, रात्रि में परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जल्दी सो जाना और अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उठने के बाद स्वयं को स्नान इत्यादि कार्यों से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद अपने घर में या नज़दीक के किसी भी मंदिर में जाकर परम भगवान की मंगला आरती करिए। अगर आपके लिए ये करना संभव नहीं है तो कम से कम ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंगला आरती के बाद अब समय है एकादशी व्रत का संकल्प लेने का। अपने हाथ में थोड़ा गंगा जल लीजिए और भगवान के चित्र या विग्रह के समक्ष जाकर एकादशी व्रत का संकल्प लेते हुए ये कहिए, एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम् परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इस प्रकार संकल्प लेकर अब अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करते हुए तुलसी देवी की सेवा पूजा करें। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। उन्हें प्रणाम करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक और एक निर्धारित संख्या में जाप करें। ध्यान पूर्वक जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एकादशी के दिन यदि आप संपूर्ण उपवास का पालन कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है, लेकिन यदि शारीरिक मर्यादाएं हैं तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार दिन में एक या दो बार दूध, फल, जल, एकादशी प्रसाद और दूध से बने हुए पदार्थ ले सकते हैं। बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को ये सलाह दी जाती है कि वे एकादशी प्रसाद के साथ व्रत रखें, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और अन्न में क्या क्या आता है तो गेहूँ, दाल, चावल, दलियाँ, फलियाँ, मटर इत्यादि और उससे बने हुए खाद्य पदार्थ। इस दिन प्रयास करें कि बाहर का कोई भी पैक्ड फूड भी ना खाएं। एकादशी में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस बात को लेकर अगर आपके मन में कोई संशय है तो इस विषय के ऊपर बना हुआ हमारा स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एकादशी का संपूर्ण दिन परम भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण और अध्ययन करने में व्यतीत करें। आप हरि कथा सुन सकते हैं और श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, भगवान की मंगला आरती करें और निर्धारित पारण समय पर अपने घर में या मंदिर में सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन प्रसाद खिलाएं, उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दें और उसके बाद स्वयं भी भगवान के अन्न प्रसाद का स्वीकार करके एकादशी व्रत का पारण करें। अगर आप इस विषय में और अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पारण कैसे करें इस विषय पर बना हुआ हमारा विस्तृत वीडियो देख सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्या एकादशी की इस कथा को सुनना आपको अच्छा लगा है
और क्या आप अगली एकादशी के लिए हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार हरे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस अपरा एकादशी व्रत का पालन करते हैं और जीवन के परम लक्ष्य की ओर स्वयं को अग्रसर करने की यात्रा का आरंभ करते हैं।